इफ मासेस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर हाफ्ड, किसको हाफ किया, एक मॉलिक्यूल के मास को हाफ किया, मॉलिक्यूल का मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, स्मॉल एम को हाफ किया एंड देयर स्पीड डबल्ड, आरएमएस स्पीड को डबल कर दिया, तो रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर ये होता है, इसमें डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी को ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, डेंसिटी को सीधा लिख लो एम इंटू एन, आज हमने किया था, वेयर एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर, अगर वेलोसिटी वी है और मास एम है तो ये प्रेशर है। केस नंबर टू में मॉलिक्यूल के मास को हाफ कर दो, वेलोसिटी को डबल कर दो, तो ये प्रेशर है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, करेक्शन कर लो, यहां आंसर 2:1 आएगा, 2:1 कर लो, दोनों को डिवाइड करके एवरेज प्रेशर की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला एवरेज प्रेशर का, इस क्वेश्चन को देखो, RMS velocity of molecule in sample of helium is 5/7 that of molecule in a sample of hydrogen at 0 degree Celsius. कह रहे RMS speed helium की 5/7 है
हाइड्रोजन से, लेकिन हाइड्रोजन का टेम्परेचर दे रहा है जीरो, तो टेम्परेचर 273 प्लस जीरो। हीलियम का कहते हैं टेम्परेचर क्या होगा ये निकाल दो, तो ये निकालना है। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 और हाइड्रोजन का 2, स्क्वेयरिंग करके सॉल्व करना टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो आरएमएस स्पीड पे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, टू इक्वल मासेज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर फिल्ड इन अ वेसल ए एंड बी, तो दोनों के वॉल्यूम, दोनों के मासेज सेम है। वॉल्यूम ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए, वॉल्यूम बी का डबल है ए से, मास बराबर है गैसेज का। फाइंड प्रेशर रेशियो इन ए एंड बी, तो एवरेज प्रेशर पूछ रहे हाफ रो वी आर एम एस स्क्वायर, क्योंकि गैसेज डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर वी आर एम एस को यहाँ पर कैपिटल एम की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल एम चाहिए होगा। तो यहाँ पर डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन में मास दोनों गैसेस का सेम है, टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, तो बचा क्या, एक वॉल्यूम और एक मॉलिक्यूलर मास, ये रहा। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूलर मास, तो एक गैस क्या है ए, एक बी, तो ए और बी का प्रेशर निकाल लिया, ये रहा डिवाइड करके। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में बी का वॉल्यूम, बी कौन है इसमें, ऑक्सीजन है, और ए कौन है इसमें, नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम नाइट्रोजन से डबल गिवन है, तो ये रेशियो तो 2 आ गया। मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 32 है, नाइट्रोजन का 28 है, यहां से प्रेशर की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, यहां तक। A vessel of volume 4 liter contains a mixture of 8 gram of oxygen, 14 gram of nitrogen, 22 gram of CO2 at 27 degree Celsius. Mixture का pressure क्या होगा? तो 8 gram oxygen है, 14 gram nitrogen है, 22 gram carbon dioxide है। तो यहाँ से first gas के लिए P1V N1RT, तो P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया। Mixture के लिए total pressure क्या होगा? P1 plus P2 plus P3, यहाँ से P1, यहाँ से P2, यहाँ से P3 put करोगे तो ये common आ गया। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, 8 ग्राम को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके N1 आ गया, 14 ग्राम को N2 से मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके N2 और ऐसी N3, N1 N2 N3 आ गया। R पता है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है और वॉल्यूम 4 लीटर गिवन है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना, आंसर फाइनल प्रेशर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो केमिस्ट्री की बस इक्वेशंस ही हैं, टोटल प्रेशर मिक्सचर का क्या होगा ये हो नहीं पाएगा, ये करेंगे। टू चैम्बर्स कंटेनिंग M1 एंड M2 ग्राम ऑफ गैस एट प्रेशर P1 एंड P2 आर पुट इन कम्युनिकेशन। ठीक है, M1 M2 गैस को कम्युनिकेशन में डाल दिया, प्रेशर P1 P2 है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, फाइंड द कॉमन प्रेशर रीच्ड। हम ना मेथड 1 फॉलो नहीं करेंगे, मेथड 2 देखेंगे। तो पहले फर्स्ट गैस के लिए P1 V1 इज N1 RT, टेम्परेचर दोनों में सेम है, P2 V2 इज N2 RT। जो मिक्सचर की बात हो रही है, तो मिक्सचर के लिए P ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम की जगह V1 प्लस V2 और N1 प्लस N2 इनटू R ऑफ T, टेम्परेचर अभी भी सेम है। तो V1 की जगह यहां से पुट करो N1 RT बाय P1,
ऐसी वी टू पुट करो और नंबर ऑफ मोल्स के लिए एम वन बाई एम और यहाँ पर एन एम टू बाई एम, तो सॉल्व कर लो यहाँ से, टी 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 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके आपके पास पी मिक्सचर की वैल्यू आ जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी बुक के अंदर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। पर कैसे करना है समझ में आ रहा है, मिक्सचर में कुछ भी नहीं करना, गैस की इक्वेशन लगाते जाओ, मिक्सचर के ऊपर लगा दोगे आंसर आ जाएगा।